لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملا الله الارض عدلا وقسطا بعدما مليت ظلما وجورا واللعنه الدائمه ولا اعدا الى يوم الدين اما بعد فقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أيام بیوی دو عالم جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہا اللہ صلی علی محمد اس شہادت کے مناسبت سے تین روزہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے جناب سیدہ سلام علیہا کے بارے میں گفتگو کرنا ناممکن ہے تقریباً جو میں جمع سنین ہے ہمارے پاس جو معرفت کا ذریعہ ہے یا اس کے ذریعے سے ہمیں آپ کی ذات والا صفات کے بارے میں آشنائی اور آگاہی ہوتی ہے اس کے دو سبب ہیں دو وسیلے ہیں ایک قرآن کی آیات ہیں ایک کلام خدا ہے اور ایک کلام معصومین علیہ السلام انہیں کے ذریعے سے ہمیں آپ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے جب کسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے تو دو جہت دو اعتبار سے ہے ایک اگر وہ ایک عام آدمی ہے یعنی عوام الناس میں اگر کوئی شخص زیادہ قابلیت اور کمال رکھتا ہے تو ہم اس کا مقایسہ اسی عوام الناس سے کرتے ہیں مثلا جیسے معمولی لوگ ہوتے ہیں اسی میں اگر کوئی بہت بڑا عالم ہو فرض کریں یا کوئی بہت بڑا جو ہے وہ ڈاکٹر ہو طبیب ہو انجینئر ہو تو ہم اس کی مقایسہ اسی کے لحاظ سے کرتے ہیں بھائی اس کے اندر یہ صفت ہے جو اس میں نہیں ہے ہم میں نہیں ہے فرض عوام الناس کے لحاظ لیکن جہاں خواص ہو جہاں خود باکمال افراد ان میں اگر کوئی شخصیت جو ہے
वाला सिफात हो, आला शख्सियत की मालिक हो, तो फिर हम मुकायसा आम लोगों से नहीं होता, उनका मुकायसा फिर उनका जो मुकायसा होता है वो खवास के लिहाज से होता है, खास लोगों के एतबार से। ये बात बहुत है दीगर, अगर मासूमीन अलैहिस्सलाम में देखा जाए, जितने भी मासूमीन हैं, चाहे अम्बिया हो, चाहे औसिया हो, चाहे अइमा अलैहिस्सलाम हो, अब अगर इनमें किसी जात के बारे में, किसी शख्सियत के बारे में गुफ्तगू की जाएगी या उनकी मार्फत के बारे में जो है वो अगर मालूमात दी जाएगी, तो हम उनका मुकायसा आम लोगों से नहीं करेंगे, बल्कि उनका मुकायसा उन्हीं खवास में से करेंगे। तो जनाब सईदा सलामुल्लाह के जिनका वजूद मुकद्दस जो है वो कोई मामूली वजूद नहीं है, अगर खवास में देखा जाए, अंबियाओं में देखा जाए, यानी मासूमीन में अगर देखा जाए, बाल्फाज दीगर मासूमीन अलैहिस्सलाम में से देखा जाए, तो आपकी शख्सियत जो है वो जितने भी इंसान कामिल है उनके लिए उस्वाए हसना है। और शायद यही वजह है कि जिस वजह से इमाम ज़मान अजल्लाहु ताला फरजहु शरीफ आप फरमाते हैं कि ली फी इब्नति रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, मेरे लिए यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया जाता है कि मेरे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी है उनमें मेरे लिए बेहतरीन उस्वाए हसना है। तो आप की आप देखा आपने खवास है इमाम ज़माने अलैहिस्सलाम मासूमीन में है, और वो हस्ती है कि जिसकी वजह से पूरे हुए जमीन में जो है वो अदल इंसाफ का बोलबाला होगा, पूरे जमीन में अदल इंसाफ उसी हस्ती के जरिए से है, वो हस्ती के जो यानी मासूमीन में कमाल तक है, इंसान कामिल है अज़ीम मोहतरम, वो हस्ती वो फरमानी है कि मेरे लिए जनाब सैयदा सलामुल्लाह एक बेहतरीन उस्वा हसना है। अब हमारे लिए जो है गुफ्तगू करना आसान नहीं है ज़रूरत, अगर आप देखें जितने भी यानी इंसान जितनी इंसान की मार्फत बढ़ती रहेगी उसी कदर उसकी मार्फत जो है जनाब सैयदा सलामुल्लाह के बारे में बढ़ती रहेगी। इंसान को चाहिए कि अपनी मार्फत बढ़ाए ज़रूरत। अगर आप देखें एक अजीब हदीस हमें मिलती है और ये रिवायत है सुन्नत की किताब में फराइज़ सिंतेन में कि तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि लौ काना हुस्न शख्सन, ये रिवायत तुलानी है अमीरुल मोमिनीन के बारे में फरमाया, इमाम हसन के बारे में फरमाया, इमाम हुसैन के बारे में, और उसके बाद ये जुमला आपका ये मिलता है फराइज़ सिद्दैन का कि लौ काना हसन शख्सन या हुस्न शख्सन, कि अगर तमाम नेकियां जो हैं तमाम खूबियां को अगर जमा कर दी जाए। लेकिन अजीज मोहतरम इससे पहले ये इस हदीस को हम यहाँ रुकते हैं, एक हदीस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से आप पर मेरा सलाम हो कि अगर खैर को कहीं जिक्र किया जाए, कोई भी खैर कोई भी नेकी अगर कहीं जिक्र किया जाए तो उस खैर की अव्वल भी आप होंगे, उस खैर की असल भी आप होंगे, उस खैर के मुंतहा भी आप होंगे, उस खैर के माँ बाप भी आप होंगे, तमाम खैर आप ही से फूटते हैं, आप ही से निकलते हैं और तमाम खैर आप ही की तरफ पलटते हैं। तुम अव्वल हो, आप अव्वल होंगे खैर, आप उस खैर की जड़ होंगे। ये ज़ियारत जामे पढ़ते हैं और उसी ज़ियारत जामे में को देखते हुए अगर आप देखें तो छठे इमाम की रिवायत है कि नहनु असलु कुल्ले खैर, कि हम तमाम खैर की जो जड़ है, असल है, असास है, बुनियाद हम अहले बैत हैं। मगर खैर अल बिर, और खैर में से क्या है, नेक नेक काम है खैर में से। और फरमाया कि वह अदुबुना, और जो हमारे दुश्मन है असल कुल्ले शर,
हर शर और बुराई की जड़ हमारे दुश्मन है, और हम अहले बैत पर तमाम खूबियों की तमाम खैर की जड़ हम अहले बैत है, और जो हमारे दुश्मन है वो तमाम बुराइयों की असल और जड़ और असास है। मिनल खैर अल बिर, और खैर में से क्या है, नेकी है, और मिनल बिर अत तौहीद अस्सलात अज़्ज़कात मकूम है, और उसी नेकी में से क्या है, तौहीद है, नमाज है, हज है, ज़कात है। तो ये नेकियां हैं, ये नेकियां कहां से निकल रही है, ये खैर से, और खैर की असल और असास अहले बैत नबुव्वत है। ये रिवायत आप एक तरफ, और उसके बाद वो जो मैंने अभी रिवायत में पढ़ रहा था जहां मैं जो है रुक गया, कि जिसमें रसूल फरमाते हैं कि लौकानल हसन शख्सन, कि अगर तमाम खूबियों को तमाम अच्छाइयों को एक मुजस्सम एक शख्स में जो है मुजस्सम किया जाए जमा किया जाए, लकाना फातिमा, तो मेरी बेटी फातिमा हो। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ मुहतरम सैयदा सलमा मुजस्मा खैर है, तमाम खूबियां तमाम नेकियां जो है जितनी भी आप नेकी फर्ज करें उसका मुजस्म जो है जनाब सैयदा सलमा। आपके मुख्तलिफ अस्मा है, उसमें से एक नाम जो है वो ज़हरा, ज़हरा मशहूर और मारूफ लक़ब, और इसके क्यों नाम रखा गया है ज़हरा, इसकी दो तीन इल्लतें जो है उसकी वजह जो है वो रिवायात में जिक्र हुई, उसमें से एक रिवायत जहरवार की। देखिए ज़हरा का जो माता है ना, ज़हरा ज़हरा ज़े ए रे ज़हर, ज़हर का माना क्या है, ज़हर या ज़हरुल, जब कोई शोला निकलता है ना, कोई चीज जब चमकती है तो उस चमकदार चीज को, उस शोले को, उस आग के शोले को, उसको कहते हैं ज़हर। इत्तेदादुन नार, और एक लुगत में ज़हर का माना ये दिया है, ज़हर का माना कि रजुलुल अज़हर, रजुल अज़हर यानी वो मर्द जिसको अज़हर कहा जाता है, उस शख्स को अज़हर कहा जाता है कि अबयसु मुशरिकुल वज, जो बिल्कुल सफेद हो और जिसका चेहरा जो है चमक रहा, उसको क्या कहते हैं, अज़हर। उसी से निकला है ज़हर, से ज़हर से निकला है अज़हर। अब जामे मिस्र में है ना जामियतुल अज़हर, जामियतुल अज़हर का मतलब क्या, यानी वो जामे को एक यूनिवर्सिटी एक दर्स का जिससे रोशनियां फूट रही है मसलन, तो अज़हर, तो अज़हर का मतलब यानी समझ आप चमकदार कोई चीज, रोशन होना, चमकना, किसी चमकदार को अज़हर कहते हैं, ज़हर कहते हैं, उसी से है ज़हरा। तो क्यों ज़हरा, जनाब सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हरा का, तो पांचवें इमाम और छठे इमाम इमाम जाफर साथे चले सलाम और इन्नमा सम्माहा फातिमा ज़हरा, पांचवें इमाम फरमाते हैं कि खुदावंद मुताल ने हमारी जद का नाम जो है वो ज़हरा रखा, ज़हरा कोई चमक चमकदार चीज, क्यों ना, लिअन्ना लिअन्ना खलकहा मिन नूर अज़मतिही, क्योंकि हमारी जद जद्दा को खुदावंद मुताल ने अपने अजमत के नूर से खल्क किया है, नूर अज़ीम मुतलक। अब देखिए खुदावंद मुताल का नूर लामुतनाही नूर, खुदा की जात लामुतनाही, उसकी सिफात लामुतनाही, इल्म लामुतनाही, हयात कुदरत जो भी सिफात है वो लामुतनाही है, और उसकी जाती है उसको किसी ने अता नहीं किया, जो कुछ कमाल है वो खुदावंद मुताल की तरफ से, तो उसकी जात नूरानी है, नूर है ना खुदा, अब अगर लामुतनाही नूर है, और उस लामुतनाही नूर के जो नूर अजमत है उस नूर अजमत से जनाब सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर खलक, और उसके बाद फरमाया अजीब जुमला ये है, और ये खिलकत जब कब भी आसमान जमीन हजरत आदम अलैहि सलाम हर चीज से पहले अजीब मुहतरम, अब आयमा अलैहि सलातो वसलाम का अनवार कब खल हुआ, ये इसकी एक्यूरेट जो है फिगर हमें नहीं मालूम,
बाद रिवायत में 2000 साल पहले हजरत आदम की खिलकत से, बाद रिवायत में 14000 साल पहले हजरत आदम की खिलकत से, बाद रिवायत में 40000 साल पहले। तो अब ये रिवायत में इख्तलाफ है, नहीं मालूम कब खिलकत हुई बारह, लेकिन सबसे अव्वल जो खल्क ना रिवायत सुनते रहते ना ऊपर वहां खलक अल्लाह हु नूरी, मेरा नूर खल्क हुआ, कब खल्क हुआ एक्यूरेट नहीं मालूम। तो जब खुदा ने पांचवें नंबर चढ़े हो हमारी जद खुदा ने अपने अजमत के नूर से खल्क किया, और फलम्मा अज़ा अल अशरकत अल अर्ض, और जब ये नूर चमका अशरकत नूर हा, जब ये पहली दफा यानी समझ लें मखलूक के खुदा, जब मलाइका की खिलकत हो गई, आसमान की खिलकत हो गई, जमीन की खिलकत हो गई, जब ये अशरकत ये जब नूर चमका है तो अवा आतिस समावात वल अर्ض, अल्लाह हू अकबर, ये अल्फाज मासूम के, जब ये नूर चमका है तो इस नूर के चमकने से जमीन और आसमान रोशन हो गए। ये खुद नूर ये चमकदार नहीं बल्कि इसने जमीन और आसमान को नूरानी कर दिया, चमकदार बना। वह गुशियत अबसारुल मलाइकत, और जो मलाइका की आंखें हैं ना वो खीरा हो गई, भाई कैसा नूर है, हैरान हो परेशान हो गए। मलाइका खुद नूरानी है, वो आलम आलम है अनवार, उस आलम में अनवार में आप अगर जब जनाब सीधा सलाम आया का नूर चमका है तो मलाइका सारे के सारे खरते मलाइका तो साजिदीन लिल्लाह, सारे के सारे मलाइका जो है सजदे में चले गए। और अजीब जुमला का इलाहना व रब्बना मा हादा नूर, ऐ खुदा ऐ हमारे पालने वाले ये कैसा नूर है, आज तक हमने ऐसे नूर की ज़ियारत नहीं की, किसका नूर है, कहा हादा नूर मिन नूरी फवहा इलैहिम, तो खुदा की तरफ से मलाइका को वही भी जो सजदे सारे के सारे मलाइका सजदे में चले गए। खुदा ने कहा कि हाजा नूर में नूरी, ये नूर मेरे नूर में से है, अस्कंत हूं फी समा एक, मैंने इस नूर को अपने आसमान में सुकूनत अदा की है, आसमान में ठहराया है, वह उखरिजहू फी सुल्ब नबी के उफद्दिलहू अला जमीन नबी, ये मलाइका ने जब हैरान और परेशान हो गए तो खुदा ने कहा ये नूर मेरे नूर है, मैंने इसको आसमान में जगह, और दुनिया में इस नूर को खारिज करूंगा, इस नूर को नाजिल करूंगा किसके, फी सुल्ब नबीयन, एक नबी के सुल्ब से, कि उफसिल होगा जमीन अंबिया, वो मामूली नबी नहीं होगा, वो तमाम अंबियाओं से अफजल नबी होगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद उफसिल होगा जमीन अंबिया, और ये नूर ये कैसा नूर है, फरमाया कि ओ खरीजू मैं नूर, इस नूर से मैं एक आइमा को निकालूंगा, गुरु बाद रिवायत में गुरु को निकालूंगा, उम्मतन बाद रिवायत में आइमा को निकालूंगा, 11 इमाम इस नूर से इस दुनिया में आएंगे। अब बताइए क्या नूरानियत होगी उस नूर की, और फिर फरमाया वो ऐसे होंगे आइमा या ऐसे गुरु होंगे कि जो मेरी खिलकत जो मखलूक है उनकी हिदायत करेंगे और मेरी तरफ जो है उन लोगों की मार्फत, और जब वही का सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा तो वो आइमा जो इस नूर से निकलेंगे वो आइमा इस रूए जमीन में मेरे खुलाफा होंगे। तो अजीज मोहतरम ये वजह छठे इमाम और पांचवें इमाम ने बताई कि क्यों जनाब ज़हरा सलामुल्लाह को उनकी यानी इस क्यों ज़हरा कहा जाता है, तो चमकना असल मेन चीज है, ये नूर का चमकना अजीज मोहतरम बड़ा यानी ऐसा नूर था ये अजीज मोहतरम, क्योंकि हमारा मौजूद यही है उन्होंने मुकद्दस जनाबी सैयदा सलाम ने रहा, तो ये जब नूर ऐसा रोशन और शदीद नूर था अजीज मोहतरम की जिसने मलाइका की आंखों को खीरा कर दिया, जब रसूल ने इस नूर की ज़ियारत की ना तो खुद आपकी आंखें भी खीरा हो गई थी, हैरान हो गए थे। देखिए आइमा की जो खिलकत है आप सुनते रहते हैं, बार छोटे भाइयों के लिए आइमा यानी जनाब सैयदा सलाम अल्लाह की इलावा आइमा इस दुनिया में आए तो एक सुल्ब से दूसरे सुल्ब, एक रहम से दूसरे रहम, हजरत आदम फिर हजरत आदम से नूह, रिवायत का मफहूम यही है कि जब आदम से तर्क वाला हुआ नहु फी सुल्ब ही, तो हम उनके सुल्ब में थे, और वरना
वलम्मा रकिबा नूह अस्सफीना नहनु फी सुल्बी, जब हजरत नूह सफीने में कश्ती में सवार हुए तो हम उनकी सुल्ब में थे। रसूल से यह हदीस है। और जब हजरत इब्राहिम को कोहे पर इब्राहिम फिर नार नहनु फी सुल्बी, और जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंका गया तो हम उनकी सुल्ब में थे। और उसके बाद एक सुल्ब से दूसरे सुल्ब, ये सारे के सुल्ब, ये सारे सारे असलाब पाक और पाकीज़ा है। ज़ियारत वारसा में क्या पढ़ते हैं, कुंत नूरन फिल असलाब अश्शामिखति वल अरहाम अल मुतहरति। ऐ मुहम्मद इस्लाम, आप क्या थे, आप नूर थे, कहां थे, असलाब अश्शामिखा पाक और पाकीज़ा सुल्ब में, जो तौहीद परस्त थे। सारे के सारे जितने के असलाब हैं आइमा के, वो सब के सब पाक और पाकीज़ा थे, जो तौहीद परस्त थे, और रहम से एक रहम से दूसरे, और हामिल मुताहरात थे, पाक और पाकीज़ा रहम से इस दुनिया में आए। और वहां से कहां जुदा हुए, रसूल फरमाते हैं कि जब हम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुर में पहुंचे फकसमाना निस्फैन, तो खुदा ने हमें तकसीम कर दिया, दो निस्फ में तकसीम कर दिया। हम सुर में एक सुर से दूसरे सुर, और एक रहम से दूसरे रहम, यहां तक कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुर में पहुंचे। और अब्दुल मुत्तलिब के सुर में पहुंचने के बाद खुदा ने हमें दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक एक नूर का हिस्सा सुल्ब हजरत अब्दुल्ला में करार पाया, और एक सुल्ब हजरत अबी तालिब अलैहिस्सलाम। यह हदीस कहने के लिए नहीं, बयान करने का मकसद ये था कि आयमा अलैहिस्सलाम एक सुल्ब से दूसरे से। लेकिन अजीज मोहतरम, जो जनाबी सईदा सलाम का आया, वो उनका सफर इस तरह नहीं हुआ दुनिया में, वो डायरेक्ट सिदरतुल मुंतहा से डायरेक्ट जन्नत से सुल्ब हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिवायत बहुत ज्यादा, रिवायत दो तीन रिवायत बस इतना कि खुदा मदे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहार मुबारक की रिवायत है, आप फरमाया कि खलका खुदा मदे मुताल ने मेरी बेटी को खल्क किया, अपने नूर से खल्क किया, हजरत आदम की खिलकत से। फिर थोड़ा शॉर्ट करता हूँ हदीस को। और जब हजरत आदम की खिलकत हो गई तो खुदा ने चाहा कि मुझे हजरत आदम की सुल्ब में दाखिल करें और उसके बाद दुनिया में, लेकिन खुदा ने ये चाहा कि मेरी बेटी को मेरे सुल्ब में दाखिल करें, हजरत आदम की सुल्ब में। आइमा का सफर क्या है, हजरत आदम की सुल्ब और उसके बाद दुनिया में, लेकिन खुदा ने क्या चाहा मेरी बेटी के बारे में, यह हदीस है, लेकिन मेरी बेटी को खुदा ने मुताल ने, जो मेरी बेटी का नूर था, खुदा ने मुताल ने उस नूर को एक सेब की सूरत दी, एक सेब की सूरत में करा फिल जन्नत ही जन्नत में। देखिए बाद रिवायत में सेब का जिक्र है, बाद रिवायत में खजूर का जिक्र है, बाद रिवायत में फल का जिक्र है, बारह इस रिवायत में जो आपकी खिदमत में बयान कर ज्यादा तोहफा आतन में जन्नत थी। और खुदा ने उस नूर को जो मेरी बेटी का था क्या करार दिया, एक सेब की सूरत करार दी, सेब करार दी। और वह आतानी यहाँ भी जबराइल, और वो सेब जब मैं वहां गया आसमान में, तो जबराइल मफूम रिवायत कि जिब्राइल मेरे सामने वो सेब ले के आए और कहा या मोहम्मद खुदा ने मुताल आपको यत्रव कर रहा है रब का सलाम, ये खुदा और आपका रब जो है आपको सलाम कह रहा है। तो रसूल ने फरमाया इलैही अस्सलाम व यऊदु इलैहि सलाम, मेरे उस सलाम व यऊदु इलैहि सलाम, खुदा की तरफ से सलाम है और खुदा की तरफ सलाम पलटता है। और उसके बाद ये कहा कि जिब्राइल ने कहा कि या रसूलल्लाह खुदा ने ये सेब आपको हदिया किया है, आपको ये सेब भेजा है, सेब आपको पता है ना नूरानी सेब है। अब ये सेब दुनिया में आए, यानी ये जो सेब नूरानी है ये अब सुल्ब रसूल में आए, तो खुदा की तरफ से खास हुक्म है, अदा अल्लाह अज़्ज़ वजल्ल, खुदा ने आपको हदिया और कहा है कि इस सेब को खाएं, इस रिवायत में बयान करवा दो कुल आ इसको खाएं। अब देखिए जनाब मोहतरम की वो जुमला कि जो नूरानी जो सहरा जो चमक है इस नूर की,
इन नूर की ताबिश है, जो नूर की शिद्दत है, तो फफादा तुहा अब रसूल को ये सेम खाना है, हुक्म हुआ है, कुल हा खुदा की तरफ से। तो रसूल फरमाते हैं फफादा तुहा, मैंने उस सेम के टुकड़ा किए, फराइतु नूरन सातिहा व फज़ईतु मिन्हु, अल्लाहु अकबर। तो मैंने जैसे ही उस सेम को शिकाफ्ता किया तो उससे मैंने एक नूर को साते देखा, शदीद नूर था। रसूल फरमाते हैं फज़ईतु मिन्हु, जैसे ही ये नूर मैंने देखा मैंने चौंक गया। फज़ईतु, फज़ई का लफ्ज़ मेरे लिए तर्जुमा करना बहुत मुश्किल है। फज़ा का माना बाद में, देखिए फज़ा का माना ये कि डरना, चौंकना, मुस्तरिब होना, परेशान होना। अब आप तर्जुमा क्या करेंगे? यकीनन वो जो नूर पहली दफा रसूल के लिए चमका है ना, अब उस सेम की सूरत में तो गोया कि रसूल उस नूर को देख के चौंक गए और कहा जिब्राइल ने, या रसूलल्लाह खाए से कुल्ला हादिल हादान का नूर लिल मंसूरा फिस समा व फिल अर्ज़ फातिमा, ये आसमान में मंसूरा का नूर है और जमीन में फातिमा का नूर। तो रसूल ने पूछा कि या अभी की जब रही लिमा सुम्यत अल मंसूरा फिस समा व फिल अर्ज़ फातिमा, ऐ हबीब ऐ रसूल जिब्राइल ये बताओ ये मंसूरा कौन है, ये कौन मंसूरा है? उसी बयान की अलवार रिवायत कहा कि ये जारियतुन तखरुज मिन सुल्बिहा, ये कनीज है खुदा की कि जो आपकी सुल्ब से दुनिया में आएगी, और आसमान में इसका नाम मंसूरा है और जमीन में उसका नाम फातिमा है। तो रसूल ने पूछा क्या है हबीब ऐ जिब्राइल ये बताओ आसमान में मंसूरा क्यों कहते हैं और जमीन में फातिमा क्यों कहते हैं? तो आपने फरमाया आसमान जमीन में फातिमा इसलिए कहते हैं लिअन्ना फतमा, क्योंकि खुदावंद मुताल इनको और इनकी जो शिया है उनकी मुहिब है उनको आतिश ना से छुड़ाएगा और नजात अता करेगा। फातिमा का मतलब छुड़ाने वाले, जनाब सईदा की जो चाहने वाले, जो जनाब सईदा की विलायत रखते हैं, जो जनाब सईदा से मोहब्बत करते हैं, जो जनाब सईदा की पैरवी करते हैं, जो शिया हैं उनको जनाब सईदा आतिश नार से छुड़ाएंगे, इसलिए उनको जमीन में फातिमा कहते हैं और आसमान में मंसूरा क्यों कहते हैं उनको? कहा कि मंसूरा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक दिन आएगा, कुरान की आयत पढ़ी कि यौमा इदिन यफ़रहुल मोमिनूना बिनसरिल्लाह, एक दिन ऐसा आएगा कि जब मोमिन खुश होंगे खुदा की नुसरत से, और वो नुसरत क्या होगी? वो जनाब सैयदा सलाम अलैहि की नुसरत होगी। दुरूद पढ़े मोहम्मद अल्लाह की मोहम्मद। तो ध्यान मुहतरम, ये नूर उस नूर जो सेब की सूरत में सेब को तनाकुल किया और उसके बाद दुनिया में जमीन में आए और वहाँ से जनाब सैयदा सलाम अलैहा इस दुनिया में आई हैं। जनाब मुहतरम उस जो है जनाब खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा के रहम मुबारक से, और शायद यही वजह फरमाया हो, आप फरमाती कि अनबनतो इबनतो सिदरतुल मुंतहा, मैं सिदरतुल मुंतहा की बेटी हूँ। अल्लाह क्या कह रहे हैं अजीज मोहतरम, ये नहीं कहा कि मैं साहिब सिदरतुल मुंतहा हूँ, जो सिदरतुल मुंतहा में गया मैं उसकी बेटी, नहीं, मैं डायरेक्ट गोया की कहना चाह रही है कि मैं डायरेक्ट सिदरतुल मुंतहा से दुनिया में आई हूँ। क्या कहने अजीज मोहतरम, ये जनाब सैयदा सलाम अलैहा का नूर है, ये उनका वजूद मुकद्दस है, कितना आप बताइए नूरानी होगा ज़रूरत। अब वो जनाब सैयदा के बारे में रसूल क्या फरमाते हैं? फातिमतु बज़अत बिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। अज़ीज़ मोहतरम अब देखें, जब भी जनाब सैयदा की मार्फत दिलवाई है रसूल ने तो अपने से किया है कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, यानी तुम मुझे जानती हो ना, तुम्हें फातिमा की इतनी मार्फत नहीं है, जाहिर सी बात है एक खातून है, लेकिन लोग रसूल को जानते हैं, अलबत्ता कमा हक़ मारिफत तो नहीं है रसूल की, लेकिन रसूल को जानते हैं कि रसूल जो है वो खुदा के नबी हैं, अफजलुल अंबिया हैं, साहिब मौजज़ा हैं, और मौजज़े की कुव्वत है, ताकत है, सब जानते हैं। तो अपना जनाब सैयदा का तारुफ जब भी कराया रसूल ने तो कहा कि फातिमा तो बजा तुम इन्नी, तुम्हें क्या मालूम कि फातिमा क्या है? अरे फातिमा मेरा टुकड़ा है। अल्लाह ये नहीं कहा, आप देखें, आप ये नहीं कहा कि फातिमा मेरे जुगड़ का टुकड़ा है, मेरे कल्ब का टुकड़ा है, मेरे बदन का टुकड़ा, नहीं, फातिमा तो बज़ अतुम मिन्नी या बिज़ अतुम मिन्नी,
दोनों पढ़ सकते हैं बज़ा और बिज़ा, कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, यानी रिसालत का टुकड़ा है, मैं जो रसूल हूँ, मैं जो कमालात का मालिक हूँ, जो भी मेरे अंदर सिफात हैं उसका टुकड़ा कौन है, मेरी बेटी जनाब सैयदा सलामुल्लाह कहना है। अब आप जो भी माना कीजिए अज़ीज़ मुहतरम, जो कमालात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम में जो सिफात आपके हैं उसका टुकड़ा जो है वो जनाब सैयदा सलामुल्लाह है। लिहाजा ये जुमला मुझे तीन जगह तो तीन चार जगह देखा है मैंने, तीन जगह तो मैंने देखा है ये जुमला फरमाया, एक जगह आपने भी सुना होगा। बहरहाल बुज़ुर्ग तो सब सुनते हैं, अपने बच्चों के लिए छोटे भाइयों के लिए कह रहा हूँ कि एक दफ़ा पूछा ना कि रसूल ने पूछा था कि भाई अय्यु शैइन खैरुन लिलमरआ, कौन सी चीज़ औरत के लिए बेहतर है, बेहतरीन चीज़ औरत के लिए क्या है। तो ये सवाल असाब के खिदमत में पेश किया, लेकिन कोई सहाबी जवाब नहीं दे सका, किसी ने हर एक ने अपना बनाया, ज़ेवर है और क्या है और शर्म व हया है, ये बहरहाल जवाब दिए लेकिन कोई जवाब रसूल को पसंद नहीं आया। ये सवाल आया जनाब सैयदा सलाम अलैहि के पास अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, तो उन्होंने फरमाया कि खैरु शैइन लिलमरआ अल्ला युरानी, बेहतरीन चीज़ औरत के लिए ये है कि ना महरम मर्द उसको देखे, ना वो ना मेरा मर्दों को देखे, ये बेहतरीन चीज़ है। अच्छा अब ये जवाब जब पहुंचा तो रसूल के ये जवाब जो है बहुत पसंद आया, और उस वक्त फरमाया फातिमा तो बजा तुम में नहीं, अरे फातिमा से इसी जवाब की तवक्को है क्योंकि फातिमा मेरा टुकड़ा है, मिसराजल का टुकड़ा है, फातिमा को हकाइक का इल्म है अज़ीज़ मोहतरम। ये एक मौरिद, दूसरा मौरिद एक और भी था कि जब एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल खुदा के साथ तशरीफ़ लाए घर में, जनाब सैयदा सलाम अलैहा घर में थी तो एक नाबीना शख्स भी उनके साथ था, तो जनाब रसूल ने कहा कि फातिमा हम आने वाले हैं घर के अंदर, एक शख्स भी है हमारे साथ, तो वो नाबीना है, तो आपने कहा जनाब रसूल से कि ज़रा तवक्कुफ़ कीजिए बाबा, मैं ज़रा हिजाब में आ जाऊँ, जब पर्दे में आ जाऊँ। तो उस रसूल ने कहा कि ये तो नाबीना है तो देखता नहीं है, कहा कि वो तो नाबीना है लेकिन मैं तो नाबीना नहीं हूँ, अल्फाज मेरे हैं मफहूम, और ये खुशबू सूंघता है तो ज़ाहिर सी बात है ये मुझे हिजाब में रहना है। उस वक्त रसूल ने फरमाया था अशहदु अन्नक बज़अतु मिन्नी, मैं गवाही देता हूँ कि तुम मेरा टुकड़ा हो। क्या एक दूसरा मौरिद, एक तीसरा और आखिरी मौरिद है, एक और जगह भी फरमाया आपने, और वो क्या था, वो भी एक सवाल था कि मता तकुनो माहिया अल मरआ, औरत खातून क्या है। तो लोगों ने कहा कि खातून वो चीज़ है कि उसको पर्दा करना चाहिए। अच्छा भाई, उस वक्त एक रसूल ने एक और सवाल किया कि मता तकुनो अदना मिन रब्बिहा, ये बताओ कि वो वक्त कौन सा है, कब एक औरत अपने रब के, अपने परवरदिगार के बहुत ज़्यादा नज़दीक और करीब होती है। बस मारिए ना, कौन सा वक्त है कि जब जो है एक औरत अपने रब के बहुत करीब होती है, मता तकुनु अदना मिन रब्बिहा, अपने रब के करीब कब होती है, अदना धनी से ना करीब, कब करीब होती है सबसे ज़्यादा। अब लोगों ने जवाब दिया भाई अब नमाज में हो मसलन जो है भाई, रिवायत है ना, बाज़ रिवायत तो है कि इंसान जब सजदे की हालत में होता है, जब नमाज में होता है और जब खुसूसन जब सजदे की हालत में है तो खुदा के बहुत ज़्यादा करीब होता है, बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। तो रसूल फरमाते हैं, पूछते हैं कि बताओ कि कब एक औरत अपने रब के ज़्यादा नज़दीक होती है। बहरहाल ये जवाब दिया रसूल को असहाब ने, लेकिन कोई जवाब रसूल को पसंद नहीं आया। ये सवाल पहुंचा जनाब सैयदा सलामुल्लाह के पास और वहाँ से जवाब आया वहाँ से, और उस वक्त जनाब सैयदा ने फरमाया कि पूछा क्या था, मता तकुनो अदना मिन रब्बिहा, कहा कि तकुनो अदना मिन रब्बिहा अन तल्ज़िमा क़ारब इतिहा। पर देखिए ये जुमले जो हैं जनाब सैयदा सलाम अलैहा के, ये हमारे लिए मशाले राह हैं,
उसवा हसना है, राह। ये आज की ख्वातीन के लिए भी, क़यामत तक की ख्वातीन के लिए अज़ीज़ मोहतरम, चाहे जुमला दुनिया जितनी भी फास्ट हो जाए, जितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन वो अक़वाल जो मासूमीन अलैहिस्सलाम के हैं वो बुनियादी चीज़ें हैं, वो असासी चीज़ें, वही जो है वो हिदायत का ज़रिया और वसीला है, जिनमें कोई शक नहीं। तो जनाब सईदा फरमा रही हैं कि उस वक्त औरत एक खातून अपने रब के बहुत ज़्यादा नज़दीक और करीब है कि जब वो अपने घर में चिमट के बैठ जाए, अनतंजिमा कार बैतहा, लाजिम हो जाए घर से, बिल्कुल बिल्कुल चिमट जाए घर से, घर में रहे बिल्कुल। जब वो औरत खातून, देखिए खातून के लिए पूछा था ना कि खातून, अब आप कह सकते हैं कि मर्द उस वक्त करीब होता है कि जब मसलन सज्दे की हालत में हो, नमाज की हालत में हो, तो वो खुदा के करीब होता है। लेकिन जनाब सईदा सलाम अलैहा औरतों के बारे में क्या कह रही हैं कि उस वक्त औरत जो है वो अपने रब के सबसे नज़दीक है कि जब वो अपने घर में हो, तर्जमा कार बैत, हाँ कार बैत में हो, चिमट गई हो घर से, बिल्कुल घर से ना निकले, अब जब घर में है खुदा के करीब, इधर बाहर निकली। बहरहाल देखिए, अच्छा ये जो जो वाजिबात है ना वो तो इस्तिस्ना है भाई, हज हज पे तो जाना है ना खातून को, तो बाहर निकलेगी तो जाना वाजिब है, जब हज वाजिब हो जाएगा तो निकलना है। इसी तरह ज़्यारत आइमा अलैहिस्सलाम, ज़्यारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो मुस्तहब है, वो मर्द के लिए भी है, खातून के लिए वो मुस्तहब रहेगा, ये इस्तिस्ना है। लेकिन कोई वाजिब, अच्छा इसी तरह कोई खातून जिसके ऊपर नान नफका वाजिब हो गया किसी का, वालदेन का फ़र्ज़ करें या बच्चों का, वो बेवा खातून है या कोई भी खातून जो जॉब करती है, जिसके लिए जॉब करना ज़रूरी है, वरना नानो नफ़ा नहीं होगा, बच्चे परेशान हो जाएंगे और मुसीबत में गिरफ़्तार हों, वो भी सिस्ना है, वो तो ज़रूरी है, मजबूरी है ना, क्या करना है, वो निकलना है। लेकिन बात क्या हो रही है कि ऐसे ही निकल जाए बिल्कुल, ये जुमले मेरे नहीं है भाई। अब देखिए चांद रात में क्या होता है, बस निकल जाए बस। देखिए लेकिन जनाब सीधा क्या फार्मी है कि अंतर, जब ये जुमला, जब ये जवाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया फातिमा तो बस अतु मिन्नी, अरे फातिमा का क्या कहें, फातिमा तो मेरा टुकड़ा है, दुरूद पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजी ना मतलब ये है जनाब सैयदना, ये जहरा को जहरा क्यों कहता, एक रिवायत और कि जहरा को जहरा इसलिए कहते हैं कि मता कामत महराबहा, जब आप महराब इबादत में खड़ी होती थी ना, या जहरो नूर हाल अहल समा ले मलाइकत समा वात, मफहूम रिवायत कि जब आप महराब इबादत में खड़ी होती थी तो उस वक्त आपके वजूद मुकद्दस एक नूर साते होता था अहल समा के लिए, मलाइका के लिए, कमा या जहरो नूर कवाकिब ले अहल अर्ज, वो नूर उसी तरह साते होता था कि जिस तरह आसमान के सितारे अहल अर्ज के लिए चमकते हैं। क्या कहने जनाब सईदा, इधर इबादत के लिए खड़ी हुई हैं और नूर एक साते हो रहा है, और ऐसा नूर साते होता है, और तो उस वक्त खुदावंद मुताल कहता है मलाइका से, उन्ज़ुरू या मलाइकती, ऐ मेरे आसमान के मलाइका, उन्ज़ुरू इला सय्यदती माई, देखो मेरी कनीज़ों की सरदार को देखो, के मफहूम रिवायत का कि जो सारे दिन के काम काज और थकन के बाद जब महराब इबादत में खड़ी होती है तो उसका बंद बंद खौफ मेरे खौफ से कांपता है अल्लाह पर, और मेरी इबादत के लिए खड़ी होती है। तो जनाब सैयदा की इबादत से खुदावंद मुताल फ़ख्र कर रहा है, ज़िर होती है। तो हर इंसान का फ़ख्र यही इबादत, इबादत है इंसान का कमाल ज़ेहन मतलब, इंसान किसी के सामने ना झुके, अगर झुके तो फ़कत और फ़कत अपने रब के सामने झुके, यह है इंसान का कमाल। इन्ना अशद्दल इबादत अलवरा, इबादत बहुत है, बहुत से इबादत के मिज़दाक़ है, लेकिन ज़ेहन मतलब बर ये आखिरी रिवायत आपकी कि जो शदीद तरीन इबादत है ना वह है वरा, तकवा, जिसको हम कहते हैं परहेज़कारी, बचना, खौफ खुदा दिल में हो, ये मैं जो काम कर रहा हूँ पता नहीं सही है या सही नहीं है, ये जो माल है पता नहीं सही है या सही नहीं, एक दिल में जो वरा है ना इसको कहते हैं, यानी एक कैफियत है एक वरा दिल के अंदर कि जो इंसान को बुराई से रोकती है, जो इंसान को वाजिबात की तरफ उभारती है, जो हराम काम से रोकती है, बल्कि वरा ज़ाहिरन और एक तकवे से और ज़्यादा आला
दर्जा है कि इंसान मुश्तबे चीज़ों से भी बचता है। बहरहाल डाउट है, लेकिन डाउट से भी बच रहा है। डाउट से बचना वाजिब नहीं है। अभी गिज़ा आई आपके पास, अब आपको शक हो रहा है, पता नहीं हलाल है हराम है, खा सकते हैं, कोई मसला नहीं, जब तक कि आपको यकीन ना हो हराम का, है ना। लेकिन वरा क्या है कि उस मुश्तबे से भी बचना, कि पता नहीं हो सकता है कि हराम हो। बहरहाल तो अशद्दल इबादत क्या है, इंसान इबादत के बहुत से मिज़दाक है, लेकिन असल जो शदीद तरीन इबादत है वो है वरा, वह तक़वा अज़ीम। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, ये तक़वा कैसे हासिल होगा ये एक अलग मौजू है। लेकिन अज़ीम मुहतरम, तक़वा के बहुत से असबाब हैं, लेकिन एक तक़वा ये है कि इंसान खुदा से दुआ मांगे। खुदा ही हिदायत करने वाला है ना, खुदा ही मदद करने वाला है, इंसान को बचाने वाला है। और अहले बैत से तवस्सुल करें, खुसूसन जनाब सैयदा सलामुल हया से तवस्सुल करें। पुर अज़ ईमान है अज़ीम मुहतरम, अल्लाह पर ये जो जनाब सैयदा की जो मोहब्बत है ना, सौ जगह में काम आने वाली है। अज़ीम मुहतरम सलमान से रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या सलमान वैलम लिमन यज़लिम हौक, वायल हो जहन्नुम उसके लिए कि जो मेरी फातिमा, जो मेरी बेटी फातिमा पर जुल्म करे अल्लाह। और उसके बाद फरमाया कि सलमान, जो शख्स मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा, फाहुआ माई फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाह कहने जो जनाब सैयदा से मोहब्बत करते हैं आप, सादात किराम, शियान मवाली, जो जनाब सैयदा की मोहब्बत कर, और फरमाया कि जनाब मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत सौ जगहों पे काम आएगी। अल्लाह पर सौ जगहों पे काम, मौत के वक्त काम आएगी, कब्र में काम आएगी, बरज़ख़ में जनाब सैयदा की मोहब्बत काम आएगी, नफ़ा देगी इंसान। उस कब्र के अंधेरे में किसकी मोहब्बत काम आएगी, जनाब सैयदा सलामुल्लाह। हिसाब किताब का जब मौका आएगा, जनाब सैयदा की मोहब्बत काम आएगी, जनाब सैयदा की शफाअत होगी। कल यौम हशर सबसे मुश्किल तरीन दिन, फ़ज़ाए अकबर मुश्किल तरीन और मुसीबत तरीन दिन जो है वो कायनात का रोज़े क़यामत है। अल्लाह क़यामत का दिन है जिन, उस क़यामत के दिन में किसकी मोहब्बत काम आएगी, जनाब सैयदा की मोहब्बत का। ज़ख़ायर रुब्बा में एक रिवायत, अमीर मोमिनीन से रसूल ने फरमाया अस्सलामु अलैका या अबा अर्रिहानतैन फ़ान क़लीलिन यज़हबु अन रुकनाक, यज़हबु अनका रुकनाक, ए अबा रेहानैन, ए दो फूलों के बाप, मेरा तुम पर सलाम, और बहुत कम अरसे में तुमसे दो रुकन जुदा हो जाएंगे। रुकन असास बुनियाद, यानी जिस असास और रुकन पर अमीरुल मोमिनीन की हयात कायम है, दो रुकन, वो दो रुकन अमीरुल मोमिनीन से जुदा हो जाएंगे, छूट जाएंगे। पहला रुकन अज़ीम मुहतरम, आप बताइए, अजीब है ये, अमीरुल मोमिनीन के दो रुकन हैं असासी। रसूल फरमाते हैं कि दो ऐ अली, ये रुकन तुमसे जुदा हो जाएंगे। पहला रुकन कौन सा, फलम्मा कुबिज़ा रसूलुल्लाह, जब रसूल खुदा इस दुनिया में गए, इस दुनिया से गए, तो फरमाया हादा अहदुर रुकनैन, ये पहला रुकन था जो मेरी ज़िंदगी से चला गया। अजरकुम अल्लाह, रसूल आपके रुकन असासी हैं। और दूसरा रुकन कौन सा था, फलम्मा मा तत फातिमतु, जब जनाब सैयदा इस दुनिया से गए, कहा था आखिर रुकनैन, ये दूसरा रुकन था जो मुझसे जुदा हो गया। अज़ादारो अजीब है, कुरान ये कहता है कि अर्रिजाल कवामून अलन निसा, अरे लो ख़वातीन के जो कवाम है, ख़वातीन को जो सहारा मर्दों से मिलता है, यानी इस ख़वातीन की असास मर्द है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन की असास और बुनियाद जनाब फातिमतुज़्ज़हरा है। अज़ादारो, अरे ये दो रुकन थे जो अमीरुल मोमिनीन से जुदा हो गए, और शायद यही वजह थी कि जैसे ही अमीरुल मोमिनीन को ये खबर दी गई कि जनाब सैयदा इस दुनिया में नहीं है, रिवायत यह है कि जैसे ही ये जुमला सुना, अमीरुल मोमिनीन जो फातिह खैबर है, अज़ादारो बेहोश हो गए, अरे ज़मीन पर गिर गए,
मुझे नहीं पता कि किस तरह आपको होश मिलाया गया। अरे हाँ, आपको होश मिलाया गया। अजीब जुमला ये कहा कि ऐ सैयदा, अरे जब तक आप जिंदा थी मुझे आपसे तसल्ली होती थी, अब आपके बाद अरे किससे तसल्ली पाऊं। अजरुकुम अल्लाह। हाँ आज़ादारो, ये आखिरी जो बता, लेकिन उससे पहले हुआ क्या? अरे उससे पहले हुआ ये वो दर कि जिस पे रसूल खुदा नमाज़े फजर से पहले आते कहा अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा, जनाबे सैयदा के दरवाजे पे आते, अरे सलाम करते, मलकुल मौत भी आया तो इजाज़त ले के आया, अरे मलाइका आते तो इजाज़त ले के आते, लेकिन जैसे ही रसूल इस दुनिया से गए आज़ादारो, जनाबे सैयदा ने, अरे कभी भी जब तक रसूल जिंदा थे कभी कोई मुसीबत नहीं आई, लेकिन जैसे ही रसूल इस दुनिया से गए, अरे कुछ मुसलमान आए, लेकिन आए कैसी हालत में? अरे सलाम करने के लिए नहीं आए, अरे किसी ने कहा आपको लेके आओ आजादा रहो, अरे उस दर को कि जिसको रसूल सलाम करते थे उसको आग लगाई गई, आजादारो आग लगा, आग जलाई गई। अब जब आधा दरवाजा जल गया, उस मलून ने एक लात मारी, जनाबे सैयदा अरे दरो दीवार के बीच में। अजीब जुमला, दो जुमले कहे, अरे पहला जुमला या बता, अपने बाबा से कहा ए बाबा आप देख रहे हैं आपकी बेटी के साथ कैसा सलूक हो रहा। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो, ये पहला जुमला था, और दूसरा जुमला कहा या फिजतो खुजीनी, ए फिजा मुझे संभालो, अरे मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजरुकुम अल्लाह। हाँ आज़ादारो, बस आखिरी दो जुमले आज़ादारो, जनाब रसूल खुदा जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जनाब सैयदा को वसीयत के मुताबिक अरे रात की तारीख में गुस्ल दिया। जनाब सैयदा ने कहा था या अली, अरे गस्सलनी फिल लैली व कफ्फिनी बिल लैली व सल्ली बिल लैली व अदफिनी बिल लैली, अरे रात की तारीखी में कहूँ मैं ये पूछूंगा जनाब सैयदा से, या बीबी आप ये बताइए अरे रात की तारीख में गुस्ल देने की क्यों वजह थी? शायद जनाबे सैयदा के, अरे मैं नहीं चाहती कि मैं जो शिकस्ता पहलू है और उस पर अली की नजर पड़े। आज़ादार हो, मेरे अहले मिंबर से सुना, जैसे अमीरुल मोमिनीन अरे सैयदा को गुस्ल दे रहे थे, एक दफा चीख मार के रोएगा अरे सैयदा, अरे आपने मुझसे अपने जख्म को छुपाया। अजरुकुम अल्लाह। हाँ आज़ादारो, आज़ादारो, अमीरुल मोमिनीन ने जनाब सैयदा को दफन कर दिया रात की तारीकी में। अब आप बताइए, इससे पहले अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन को तसल्लियाँ देते, बेटा हसन नहीं नहीं रो बेटा, अरे इमाम हुसैन को कहते ए हुसैन बेटा नहीं रो, जनाब हुसैन उम्मे कुलसूम को तसल्ली देते रहे लेकिन नहीं रोए। आज़ादारो, नहजुल बलागा में आखिरी जुमला, नहजुल बलागा में जैसी अमीरुल मोमिनीन ने जनाब सैयदा को दफन कर दिया, अब दोनों रुकन इस दुनिया से चले गए। जब कोई बड़ा होता है ना, अरे छोटे को तसल्ली देता है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का अब कोई बड़ा नहीं है। आज़ादारो, मदीना की तरफ रुख किया, मस्जिद नबवी का रुख किया, कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए रसूल आप पर मेरा सलाम। इब्न अब्बास कहते एक दफा अमीरुल मोमिनीन ने अरे फूट फूट के रोना शुरू किया, अजीब जुमला कहा या रसूल अल्लाह, अरे मेरा सबर का पैमाना लबरेज हो गया। आज़ादारो, अजीब जुमला कहा ए रसूल अल्लाह, अरे अपनी बेटी से पूछिएगा आपकी बेटी पे इस उम्मत ने क्या जुल्म किया। वा इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजिऊन वलकद सुरजातिल वदीयतो। आज़ादारो, जब जनाबे सैयदा की रुख्सत हो रही थी तो एक दफा रसूल ने सैयदा का हाथ पकड़ के अमीरुल मोमिनीन को दिया, कहा या अली हाज़िही फातिमतु वदीयती, ए अली ये मेरी बेटी फातिमा, अरे मेरी अमानत है। उस अमानत के बारे में अमीर ने या रसूल अल्लाह, अरे जो अमानत आपने दी थी वो अमानत मेरे पटा दी। अल्लाहमिन वसयालमुल्लदीन ज़लमु अय्यमुन क़ल्बिन यनक़लिबून इलाहि बिहक़्क़ि ज़हरा वअबीहा वबअलिहा वबनीहा वसिरिल्मुस्तौदअ फ़ीहा अन तुसल्लि अला मुहम्मद वआलि मुहम्मद। हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, जो हाजिन मल्लिस और जो मुमिना जहाँ जहाँ कहीं मौजूद है सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। हाजिन मल्लिस और जो मुमिन मुना बीमार हैं
उन सबको बीमार करबला के सदक में शफाए कामिला अता फरमा। हाजिर मजलिस तमाम मोमिनीन मुना तमाम ज़ायरीन इमाम हुसैन तमाम आज़ादारान इमाम हुसैन किस कोरोना वायरस से हिफाजत फरमा, जो इस मरज़ में मुबतला है उनकी उनको शफाए कामिला अता फरमा, मुकामात मुकद्दसा की ज़ियारत की तौफीक अता फरमा, हज और उमरे की सआदत अता फरमा, हमारे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके असहाब अनसार में से करार दे। एक मरतबा सूरह अलहम्द और तीन मरतबा सूरह इख़लास बराए साले सवाब सज्जाद हुसैन रजब अली मरहूम ग़ुलाम अब्बास रजब अली मरहूम हसन अली सलमान मरहुमा मुनीरा मेहदी इला रहमा अली रहमत अल्लाह और मरहूम शबीर हुसैन के लिए रहम अल्लाह मन करा अल फातिहा। बिस्मिल्लाह।